है। अब भाई ये जो दो चार चीजें होती हैं जिसमें हमारा ये है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, कमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, और दो चार चीजें जो उसके अंदर इटैलिक और ईएम का इस्तेमाल वगैरह आ रहा है वो कैसे हम करते हैं। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से विजुअल कोड खोल लेना है और यहाँ से जाके पहले फाइल में जाके आपने यहाँ से क्लोज फोल्डर करना है। देखिए थोड़ी सी इस पर मेहनत करवा रहा हूँ, ये सीख लें, उसके बाद तो हम पूरी वेबसाइट ऐसे चुटकी में बनवा लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सीखना लाजमी है। अगर ये नहीं सीखोगे तो वो चुटकी वाली वेबसाइट तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने जाके कल वाला फाइल में जाके फोल ओपन फोल्डर किया और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ से हम गए वेब के ऊपर। ठीक है, और वेब पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम चले गए, कल वाला फोल्डर था फायरवॉल एंड नवाइस का, इसको सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। यहाँ से हमने एक न्यू फाइल ले लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूँ, मैं आपको मैं ये उनके लिए थे जिनके 360 नहीं है, जिनके 360 नहीं आए, नहीं जिनके 360 नहीं आए ये उनके लिए था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये मेरा पॉलिटिकल बयान था। ये 360 वालों से कम के लिए था। नहीं, अच्छा स्कोर आया आपका उसे, माशाल्लाह। वो होगा नहीं, अभी एक ही दफा आईडी पे मैंने इसको डिसेबल किया हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ ol एंड ul.html के नाम से एक पेज बना लेते हैं और यहाँ से हम इसको यह शिफ्ट वन करके ऑर्डर लिस्ट एंड अर्न अन ऑर्डर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, हाँ अभी इसके चल रहे हैं ये, आप वाकई बहुत क्यूरियस हैं इस हवाले से, खुशी हुई मुझे जान के। कल दीप पूछ रहा था सर शाहरुख नहीं आया, मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं, थक जाता है आदमी इसलिए नहीं आया होगा। कह रहा नहीं, वो काम भी कोई नहीं था, थका भी नहीं था, उसका मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कल से कोई तैयार वैयार हो गया हूँ मैं, फिर मूड बने। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे सपोज अभी हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर पार्ट्स। अब कंप्यूटर पार्ट्स हमने लिख दिया इसको, अब हम ये चाह रहे हैं कि वेब पेज पे ऐसे कंप्यूटर पार्ट्स तो लिखा हुआ आ गया, इसके नीचे कुछ इसके पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं अगर डायरेक्टली पार्ट्स लिखूं तो उसको मुझे हाईलाइट करने के लिए एक डॉट रिक्वायर्ड होता है। डॉट के लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑर्डर बनाते हैं, इसका नाम है यूएल का एलिमेंट, या अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। एक लिस्ट आइटम लगा देते हैं इसके अंदर, तो ये लिस्ट आइटम ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर आप देखेंगे एक डॉट बन जाएगा। इस डॉट को हम वर्ड में बुलेट्स के नाम से जानते हैं, लिस्ट स्टाइल के नाम से। अब यहां पे हम लिख देते हैं सपोज टू बी मदरबोर्ड। अब बार बार ये चीज रिपीट करनी है तो इसको यहां पे पेस्ट करते जाएंगे इस यूएल के सेगमेंट के अंदर, और इसमें हम लिखते जाएंगे सीपीयू, और इसके बाद लिखते जाएंगे रैम, इसके बाद हम लिखते जाएंगे रोम, यहां पे हम लिखते जाएंगे हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूटिलाइजेशन बन सकता है। ठीक है, दूसरा, अब अगर मुझे ये बयान करना है सीपीयू के कुछ सब पार्ट्स के बारे में, या जैसे सीपीयू में ही आता है मदरबोर्ड और रैम, तो सीपीयू को मैं मेन लिस्ट बनाना चाहता हूँ और ये सब लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसमें देखिएगा। इस सीपीयू को मैं उठा के यहाँ ऊपर ले जाऊंगा, फिर सीपीयू और उस एलआई के दरमियान में एक और यूएल बनाऊंगा, और जो इसके अंदर डालना चाहता हूँ मैं उसके अंदर इस यूएल को डाल दूंगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई अनऑर्डर लिस्ट। अब आते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या हो रहा होता है हमारे पास, ये नीचे आ जाते हैं। सपोज टू बी हम यहां लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमने एक टैग बनाया और इसको हमने यहां पे डाल दिया H1 के अंदर, तो ये हेडिंग के तौर पे भी होगा और ये इसके अंदर भी नजर आ रहा होगा। अब ये तो ऐसे नजर आ जाएगा इसके ऊपर। अब इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे तो भी लिखना था, और मैं उनको एक नंबर सीक्वेंस में दिखाना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ।
तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ओएल ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, लिस्ट आइटम के लिए LI यूज करूंगा, और जैसे मैंने लिखा मोहम्मद उजेर, और फिर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहां पे नीचे पेस्ट किया, फिर यहां पे ले लिया अलीदीर, और फिर यहां पे मैंने ले लिया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक सीक्वेंस क्रिएट होगा नंबर्स का, और वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा, देख रहे हैं, और इसको ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। अब हम UL और LI को मिक्स कैसे करेंगे? अब UL एंड मिसाइल इसको मिक्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने एक UL बनाया था, ऊपर वाले को थोड़ा देख लेते हैं, उसमें हमें स्टोरेज डिवाइसेस था, इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐड करने थे, तो ये यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये रहा LI, इसके अंदर मैं स्टार्ट करूंगा OL और उसमें ऐड करूंगा LI, उसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, और यहाँ से इसको कॉपी करके इस OL के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज टू बी SSD, USB, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज टू बी RAM। ये देखिए इस तरह से भी हम इसको डील कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे कॉम्प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर है हमारे पास UL में, हम यहाँ पे बता सकते हैं टाइप। अब टाइप में हमारे पास है जैसे स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा पहले ये गोल्ड डॉट्स आ रहे थे, अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, स्क्वायर में हो गए, और ये गोल्ड डॉट जो आ रहा होता है उसकी टाइप है डिस्क, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे ऐसे लिख के UL टाइप वैल्यूज, तो आपको ये स्क्वायर, डिस्क, और शायद एक और भी होता है, मैं ज़रा उसका नाम मिस कर गया हूँ, तो वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो मैं आपको समझाने के लिए स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आपको ये इस तरीके से नजर आ जाए। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मैं इसी ऑर्डर लिस्ट को थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे टाइप बता देता हूँ, और उसके अंदर सपोज टू मी मैं लिख देता हूँ ये कैपिटल I, तो आप नोट करेंगे ये कैपिटल रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हैं ये वाला, और फिर इसी को मैं यहां से कॉपी करके और नीचे पेस्ट करता हूं, और इसको मैं ले लेता हूं स्मॉल I, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल रोमन के अंदर, देख रहे हैं, और इसको फिर मैं यहां पे दोबारा से पेस्ट करता हूं और ले लेता हूं स्मॉल E में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ABC में के अंदर, और इसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करता हूं फॉर एग्जांपल कैपिटल M में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल ABCD के ऑप्शंस में। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को शो कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का वो इस्तेमाल जिसको आप कोई भी कंटेंट को दिखाने के लिए कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट को अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, आपको आइटम्स के नाम लिखे, माइट बी एक टॉपिक हो सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको। जैसे मेरे पास टॉपिक था कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड और मजीद चीज़ों के बारे में था कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद था हार्डवेयर, और हार्डवेयर के बाद था मेरे पास सॉफ्टवेयर का टॉपिक, ठीक है, लाजी बात है इनके लिए कुछ टेक्स्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको कैसे डिसाइड करना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे H2 में मैं इसको डालता हूँ और इसके टॉपिक्स को कवर करता हूँ, और मैं इसको इस तरीके से डालना चाहता हूँ कि ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट जिसमें भी दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसको UL करता हूँ, और जो मेरा टॉपिक है ये वाला, इसको उठा के पूरा इसके अंदर डाल देता हूँ, और इसका एक लिस्ट आइटम ये बना लेता हूँ, और यहाँ से इसको क्लिक करके कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ। अब ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा इसमें कवर हो गया, इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे कुछ इसके बारे में ऐसे ही टेक्स्ट लिख देता हूँ, लॉरेम करके, लॉरेम एंटर, लॉरेम एंटर, तो ये कुछ इस तरह से मुझे नजर आने वाला है इसके ऊपर। हरी बात समझ में? सिमिलर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि अब इसके सब टॉपिक ये थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको मैं OL के साथ डील कर लेता हूँ, और OL के अंदर मैं इसको कट करके यहाँ रख लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट आइटम्स को लगाता हूँ, और इसके अंदर ये वाला टॉपिक इसके अंदर डाल देता हूँ, और इसके नीचे एक पैराग्राफ ऐड करके यहाँ पे भी कुछ लॉरेम्स को मैं ऐड कर देता हूँ।
समझ में आ रही है बात? सिमिलरली और उसके वाला जो दूसरा टॉपिक है उसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम जो यहाँ लिखा हुआ है पैराग्राफ यहाँ पे लिया है, मुझे सॉफ्टवेयर का शो करना है, तो यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम लगा के, और लिस्ट आइटम लगाने के बाद इसको इसमें डाल दूंगा, और फिर ये वाला पैराग्राफ वाला लॉरम जो पूरा है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको ऐड करा लेता हूँ। इस तरह से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, समझाने का मकसद मेरा ये है, देख रहे हैं? इस तरह भी डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आपको हर जगह पर आगे चल के थोड़ा और एडवांस लेवल पे काम में आएगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि कैसे कंटेंट्स को हम अरेंज करके इसके अंदर लिस्ट आइटम्स में शो कर रहे होते हैं।